गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके काफी इजीली रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक आईज को ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस आज जो मैं मेथड आपको बताऊंगा ये पर्सनली मेथड मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड इससे मैं काफी अच्छा रियलिस्टिक आईज ड्रॉ कर पाता हूँ। एंड गाइस आप लोगों के भी काफी ज्यादा कमेंट्स एंड मैसेज आते हैं कि भाई आप किस तरह से ड्रॉ करते हो, तो आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से आईज को ड्रॉ करता हूँ रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक। एंड आज मैं आप लोगों को ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस यार आज हम लोग ये वाली आईज को ड्रॉ करने वाले हैं जो कि यार आप लोगों को लेफ्ट साइड पर दिख रही होगी रेफरेंस फोटोग्राफ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी लाइटर ग्रेड की पेंसिल ले ली है। यहाँ पर अभी मैंने 2B पेंसिल ले ली थी एंड उससे मैंने एक मार्क लगा लिया जहाँ पर भी मुझे शेड करना है। एंड अभी उसी तरह से मैं 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि गाइस यार यहाँ पर हम लोगों को कम्प्लीटली डार्क करना है। तो गाइस यार अभी फिलहाल मैं ये मार्क इसलिए लगा रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को दिख जाए कि अभी मैं कहाँ पर शेड करने वाला हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपको कहाँ पर शेड करना है। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर बीच में हाईलाइट के लिए भी जगह छोड़ दी है। एंड अभी गाइस यार जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं आईज के अंदर आपको उन्हें भी देखना है एंड उनको भी आपको उनकी जगह को छोड़ देना है। तो अभी यहाँ पर मैं इनकी जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं लाइट शेड करूंगा। तो गाइस यार आईज के अंदर शेड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आर्टलाइन की 10B पेंसिल। आप कोई भी डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो, 8B, 10B, 9B, कोई भी। यहाँ पर अभी मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल क्योंकि यार यहाँ पर ये जो पार्ट था पूरा का पूरा डार्क था। तो अभी गाइस यार यहाँ पर मैंने इसको पूरे तरह से डार्क कर दिया है एंड इसके अंदर गाइस कोई भी अलग शेड नहीं था, यहाँ पर पूरा ये डार्क था तो मैंने सीधे यहाँ डार्क कर दिया है। एंड अभी हम लोगों को क्या करना है ना कि यहाँ पर जो हाईलाइट है उसे छोड़कर यहाँ पर जो सा भी एरिया में जो भी शेड है उसे शेड कर देना है। एंड अभी हम लोग हाईलाइट वगैरह के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले यार यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट होता है आईलैशेस का उसे भी मैं यहाँ पर डार्क कर लेता हूँ। तो गाइस यार मेरी रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एकदम डार्क शेड था तो यहाँ मैं सीधा ही डार्क कर रहा हूँ। अगर यार आप लोगों की रेफरेंस में थोड़ा बहुत लाइट शेड भी है तो आप लोग अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेड कर सकते हो। एंड अभी यार यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 2B की। एंड यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जो आईलैशेस की जो रिफ्लेक्शन होती है हाईलाइट में वो ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ये मेरी रेफरेंस में थी इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का एंड जो नीचे का पार्ट है उसके लिए मैं एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि यार मेरे को नीचे का पार्ट दिख जाए अच्छे से, आपको भी दिख जाए। तो अभी गाइस यार यहाँ पर मैं एक सिंपल सी HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी लाइटर ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो, HB 2B। एंड अभी यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मली शेड कर देना है आईज के अंदर। गाइस अगर आप लोग रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इसे व्हाइट नहीं छोड़ना, आपको इसे पूरी तरह से शेड करना है एंड आपको डिटेल्स में काम करना है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं जो शेड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अभी जो है ना इसको मैंने एक बेस लेयर तो दे दिया है बट यार यहाँ पर अभी हम लोगों को एक काम करना है कि यहाँ पर इसके ऊपर हल्की सी डार्क लेयर देनी है। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 5B पेंसिल का। आप कोई भी डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हैं जैसे कि 5B, 4B, 3B, कोई भी। तो अभी यार यहाँ पर मैं जो है इसके यहाँ पर भी शेड कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत एरिया मैंने छोड़ा है जहाँ पर की हाईलाइट्स थी। तो अभी के लिए गाइस यार हम लोग हाईलाइट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे बट बाद में हम लोग हाईलाइट्स में भी काम करेंगे। अभी गाइस यार यहाँ पर मैंने शेड तो कर लिया इसके अंदर एंड गाइस अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल का और ऊपर वाली जो एक लाइन होती है इसके वो ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड ये गाइस यहाँ पर कम्प्लीटली डार्क लाइन है तो इसको अभी मैं फिलहाल लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग को शेड करना है, फिर हम इसको जो डार्क करेंगे। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने लाइन को तो ड्रॉ कर लिया एंड अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एंड देन हम इसके ऊपर शेड अप्लाई करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इसे डार्क करते करते इसके ऊपर हल्का हल्का शेड अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा सा डार्क बनाना है। तो अभी गाइस यार यहाँ पर मैं जो है इसके नीचे का जो पार्ट है जो कि आईज और इसके बीच का पार्ट है उसमें भी शेड कर देता हूँ अभी। एंड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्मल 8B पेंसिल का, तो आप भी 8B पेंसिल यूज कर सकते हो। तो गाइस यार अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 5B पेंसिल का एंड 5B पेंसिल से सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आईब्रोज है उन्हें यहाँ से थोड़ा अलग दिखाने के लिए उसको मार्क कर देता हूँ ताकि यार मुझे पता रहे कि आईब्रोज कहाँ पर है एंड आपको भी पता चल जाए। तो गाइस यार अभी फिलहाल मैंने आईब्रोज के लिए एक मार्किंग तो लगा दिया एंड अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 5B पेंसिल का एंड उससे मैं एक बेस लेयर दे रहा हूँ। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हो बट गाइस यार मेरी रेफरेंस में ये जो पार्ट था काफी ज्यादा डार्क था इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा मीडियम ग्रेड की पेंसिल यूज कर ली। तो गाइस यार वैसे अगर मैं यहाँ पर HB पेंसिल यूज करता तो मुझे ज्यादा टाइम लगता क्योंकि मुझे HB के बाद 5B एंड देन उसके बाद डार्क करना पड़ता। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने सीधा ही मीडियम ग्रेड दे दिया तो अभी मेरे को एक ही लेयर और लगानी पड़ेगी जो कि होगी डार्क लेयर। बट अभी यहाँ
यहाँ पर हम लोगों को लाइट लेयर की जरूरत नहीं है। तो गाइज अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर बेस लेयर दे दिया है एंड अभी मैं यहाँ पर डार्क शेड दे रहा हूँ। एंड गाइज अभी मैंने कुछ भी ब्लेंड नहीं करा है। अगर आप लोग भी इसी तरह से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, बाकी अगर आप लोग साथ साथ ब्लेंड करना चाहते हो तो आप लोग साथ साथ शेड करते करते ब्लेंड कर सकते हो। तो गाइज अभी फिलहाल यहाँ पर जो हमारी ड्रॉइंग है उसके अंदर यहाँ पर जो लाइट है वो ऊपर से पड़ रही है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें डार्क दिखाना है। तो अभी यार यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो लाइन थी इसके ऊपर की, यहाँ पर मैं हल्का फुल्का डार्क जो है शेड कर देता हूँ ताकि यार यहाँ पर ये अच्छे से आईज हमारी दिखे। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने जो डार्क शेड दे दिया है। एंड गाइस आप लोगों को भी इसी तरह से लेयर बाय लेयर शेड देना है। अभी यार यहाँ पर डार्क शेड देने के लिए भी मैंने 2 से 3 लेयर लगाई है तब जाकर मुझे इतना डार्क शेड मिला है। एंड अभी भी मुझे इसे थोड़ा बहुत डार्क करना पड़ेगा तो उसके लिए भी मैं लेयरिंग ही करूँगा। अगर आप लोग सीधा डार्क करने की कोशिश करोगे तो उससे अच्छा नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी डार्क उससे भी हो जाएगा तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मेरी मानो आप लोग इसी तरह से शेड कर लेना। तो गाइस यार लेयर बाय लेयर शेडिंग करने से क्या होता है ना कि आप लोगों को पता रहता है कि अगर आप लोगों को वहां पर और डार्क करना है या नहीं। अगर आप लोग सीधा डार्क कर देते हो या सीधा लाइट कर देते हो तो आपको पता नहीं चलता, क्या पता यार हम लोगों को उस जगह पर उतना डार्क ना चाहिए हो। तो इसीलिए यार मैं अपने हर ड्राइंग में लेयरिंग यूज करता हूँ। तो अभी गाइस यार यहाँ पर मैं आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। फिलहाल गाइस ये एक बेबी की ड्रॉइंग है, मतलब कि एक छोटा बच्चा जिसकी ये ड्रॉइंग है। तो यार यहाँ पर इसके अंदर जो है ज़्यादा आईब्रोज नहीं दिख रही है, यहाँ पर आईब्रोज की जगह पर हल्का फुल्का शेड है। तो यहाँ पर मैं भी उसी तरह से ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर अभी गाइस मैं इस तरह से बस शेड कर रहा हूँ एंड थोड़े बहुत हेयर्स हैं जो कि इस रेफरेंस में दिख रहे हैं उन्हें मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो बस गाइस यार आप लोगों को भी इसी तरह से शेड करते करते यहाँ पर आईब्रोज को ड्रॉ कर देना है। बाकी गाइस अगर आप लोगों की रेफरेंस में ज्यादा हेयर्स दिख रहे हैं तो आप लोग को शेड नहीं करना, आपको हेयर्स ही ड्रॉ करने हैं। उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप लोग किस तरह से आईब्रोज ड्रॉ कर सकते हो, बस आप लोग यार मुझे सजेशन दे दिया करो। और गाइस यार अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का एंड जो आईज के सामने एक छोटी सी ड्रॉप आप लोगों को रेफरेंस में दिख रही है उसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पर मैं। तो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का उस ड्रॉप को ड्रॉ करने के लिए। अभी यार यहाँ पर हम लोग करना क्या है ना कि जिस तरह से ड्रॉप आप लोगों को दिख रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो लाइट है वो ऊपर से पड़ रही है तो हम लोगों को ड्रॉप के एकदम नीचे नीचे के पार्ट में शेड करना है एंड उसके नीचे हमको हल्की हल्की सी शेडो दिखाने के लिए थोड़ा और डार्क कर देना है। तो जैसे कि यार यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ अभी अपनी 5B पेंसिल का, तो इस तरह से गाइस मैंने ड्रॉप ड्रॉ कर दिया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वैसे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पर भी कि आप लोग किस तरह से वाटर ड्रॉप को ड्रॉ कर सकते हो। बाकी गाइस यार अभी यहाँ पर मैं जो आइस का नीचे वाला पार्ट है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आप लोगों को रेफरेंस में दिख रहा हो कि वो पार्ट किस तरह का है, तो बस हमें उसी तरह से शेड कर देना है इसमें। तो गाइस यार अगर आप भी इसी तरह से एक्यूरेटली सब चीजें ड्रॉ करना चाहते हो तो बस यार अपनी रेफरेंस पे ध्यान दो, अपनी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसी के जैसे शेड वगैरह करो, आपकी जो ड्रॉइंग है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट बनेगी एंड काफी अच्छी आपको दिखेगी। एंड गाइस यार मैं भी इसी मेथड का यूज करता हूँ अपनी हर ड्रॉइंग में एंड जैसा कि मेरी रेफरेंस में होता है उसी तरह से मैं शेड करता हूँ। इसीलिए गाइस यार मेरी जो ड्रॉइंग्स हैं वो जो है फोटो से थोड़ी बहुत मैच करती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ड्राइंग्स काफी अच्छी होती हैं, बट यार मेरी ड्राइंग्स थोड़ी बहुत एक्यूरेट बन जाती हैं। तो अभी गाइस यार आप भी इसी तरह से शेड कर सकते हो एंड गाइस अभी यहाँ पर मैंने जो नीचे वाले पार्ट में भी शेड कर दिया है एंड जिस तरह से मेरी रेफरेंस में था मैंने बिल्कुल उसी तरह से शेड करा है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैंने इस जगह पर यूज करी थी 5B एंड 8B पेंसिल का, तो बाकी आप लोग कितनी भी ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो। तो गाइस यार अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत लेयरिंग मैंने ऐड कर दी थी जो कि मेरे को लग रहा था करनी चाहिए एंड अभी मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश का ब्लेंडिंग करने के लिए। तो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं रफ पेपर यूज कर रहा था जैसा कि आपको शेडिंग करते वक्त पता चल गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश। अगर आप लोग स्मूथ पेपर यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना है पेपर स्टेम का। अगर आप लोग ब्रश का यूज स्मूथ पेपर पर करोगे तो आपको पैचेस दिखेंगे जो कि अच्छे नहीं लगते। तो गाइस ब्लेंडिंग करते हुए आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है वो है कि आप लोग जो है ज्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करना, नहीं तो जो आपकी शेडिंग है वो काफी अजीब तरीके की दिखेगी एंड उसमें पैचेस लग सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इसे सॉफ्टली ब्लेंड करना है एंड यहाँ पर गाइस अभी मैं ब्रश की एकदम टिप यूज कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए क्योंकि ये काफी छोटा पार्ट है, तो इसी तरह से आप लोग जो छोटे छोटे पार्ट में भी ब्लेंड कर सकते हो। तो गाइस यार काफी इजी मेथड है, अगर आप लोग एक एक चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करते हो अपनी रेफरेंस को तभी आप लोग इसे बना पाओगे। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर का यूज करके जो भी हाईलाइट्स वगैरह है उन्हें थोड़ा साफ कर रहा हूँ, जो भी उनके ऊपर हल्का फुल्का शेड है उसे हटा रहा हूँ एंड यहाँ पर अभी मैंने ड्रॉप के ऊपर से जो है थोड़ी बहुत हाईलाइट कर दिया है एंड इसी तरह से मैं थोड़े बहुत डॉट वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा कि मेरी
रेफरेंस पिक में है। सो गाइस अगर आप लोग भी इसी तरह की छोटी मोटी हाइलाइट्स को ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह का नीडेबल इरेजर परचेस कर सकते हो। ये आपको एक्सपेंसिव में भी मिल जाता है एंड चीप में भी मिल जाता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है अपनी काफी वीडियोस में, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। बाकी गाइस अभी मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का एंड यहाँ पर अभी मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। यहाँ पर आईलैशेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एंड गाइस आईलैशेस को ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है अगर आप लोग आईलैशेस की डायरेक्शन में उन्हें ड्रॉ करते हो। बट गाइस अगर आप लोग इसे खुद से ड्रॉ करने की ट्राई करोगे तो आपसे नहीं ड्रॉ होंगी, मैंने काफी बार ट्राई करा है, तो इसीलिए गाइस यार यहाँ पर मैं एकदम रेफरेंस को ऑब्जर्व करके इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप लोगों की रेफरेंस में होगा आपको उसी तरह से यहाँ पर आईलैशेस ड्रॉ करनी है। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं जो सेकंड वाली आई है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट आई कंप्लीट कर चुका हूँ, तो गाइस इसको ड्रॉ करने का भी मेथड सेम ही है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली इसको बताऊंगा नहीं ड्रॉ करने के बारे में, तो आप लोग बस यहाँ पर इसको एंजॉय कर लो। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर लिया सेम मेथड से जैसे मैंने आपको बताया था। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल थोड़ी बहुत फाइनल टचिंग के बाद हम लोगों की आईज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो यार आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी दोनों रियलिस्टिक आईज। सो गाइज आई होप मैंने आपको अच्छे तरह से मेथड समझा दिया होगा एंड गाइज ये जो मेथड है ये मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो से ज्यादा डिटेल में आपको समझाया, मतलब कि यार इसमें मैंने ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे कि आप लोग किस तरह से हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक आईज को ड्रॉ कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप लोग मेरा मेथड यूज करते हो तो आपकी जो ड्रॉइंग है काफी ज्यादा इंप्रूव होगी एंड आप भी हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक आईज ड्रॉ कर पाओगे। तो चलो गाइज यार आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को यार ये वाली वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। गाइज बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, तो बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना एंड गाइज यार इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना क्योंकि गाइज यार जब आप लोग शेयर करते हो तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर कर देना। तो गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ यार मुझे फॉलो करो एंड यार मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।